हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक क्रूजर। ये है कोमाकी की रेंजर। अब देखिए, इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करने से पहले थोड़ी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट जो है मोस्टली डोमिनेटेड बाई स्कूटर्स। अब जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है, ये कुछ गिने चुने प्लेयर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रिवोल्ट है, इसको छोड़ के टॉर्क मोटर्स ने अपनी नई मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की है, ओबेन ने अपनी नई मोटरसाइकिल यूज़ की है। हमारे सामने कह सकते हैं भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटरसाइकिल है जो कोमाकी की तरफ से आई है। नाम है रेंजर। कीमत 1,75,000 एक्स शोरूम। दो तीन महीने पहले लॉन्च हुई है ये मोटरसाइकिल और रिस्पॉन्स काफ़ी खास रहा है इस कंपनी के लिए। लगभग कंपनी 1,000 यूनिट से ज़्यादा सेल कर चुकी है और 4,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुके हैं इस मोटरसाइकिल के लिए। आज हम इसे चला रहे हैं, बताएंगे आपको क्या कुछ फीचर्स है, चलाने में कितनी इंटरेस्टिंग है और क्या आपको ये मोटरसाइकिल कंसिडर करनी चाहिए एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 1.75 लाख एक्स शोरूम। तो इसकी चाबी कुछ ऐसी है, आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, मतलब आप ऑब्वियसली चाबी घुमा के स्टार्ट कर सकते हैं या इस बटन से भी आप इस मोटरसाइकिल को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ऑब्वियसली साइलेंट है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के नाते। जो इसका बॉडी प्रोफाइल है, फॉर्म फैक्टर है, ये क्रूज़र की तरफ है। जो इसका व्हील भी ऐसा काफ़ी लंबा है, 1480 मिलीमीटर्स लंबी है मोटरसाइकिल। सामने दिए गए 17 इंच के व्हील्स, पीछे दिए गए हैं 17 इंच के व्हील्स। सामने दिए गए हैं 240 डायमीटर्स के डिस्क ब्रेक, पीछे दिए गए हैं 270 डायमीटर्स के डिस्क ब्रेक्स। ABS नहीं मिलेगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यहां पे एप्लीकेशन किया गया है। डिज़ाइन की ओर आएंगे तो फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स दिए गए हैं और यहाँ पे LED लाइट्स का यूजेज है। बहुत भारी मात्रा में क्रोम भी आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाएगा। सामने की ओर एक बड़ा सा प्लास्टिक का वाइज़र दिया गया है, बहुत सा एरिया लेके ये सामने की ओर वाइज़र आप देख सकते हैं। अगर हैंडल बार की ओर देखें तो ये क्लासिक थोड़ा सा आपको हार्ली डेविडसन की याद दिलाएगा। टॉल बॉय हैंडल बार, टेपर्ड है नीचे की तरफ, ये डिप करता है और आपको एक थोड़ा उछला हुआ स्टांस यहाँ देखने को मिल जाएगा। ब्रेक फ्लूइड्स दिए गए हैं ऑन द ईदर साइड। थोड़ा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा देते हैं, काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटेशन है। चाबी गई अंदर और इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बीच में आप देख सकते हैं, स्पीडोमीटर डायल है, नीचे बैटरी और ऊपर आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्विच बोर्ड क्वालिटी की ओर। काफ़ी सारे स्विचेस हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, कनेक्टेड मोटरसाइकिल है ये। यहाँ पे आपको USB चार्जर पॉइंट दिया गया है। ये है आपके पार्किंग लाइट्स या हैजार्ड लाइट्स, ऊपर हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर, साउंड। ये है चौथा मोड, मोड की बात करेंगे अभी। यह चौथा मोड स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पे आप चलते चलते गाना सुन सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट दिया गया है, एक आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट दिया गया है, उस एग्जॉस्ट का वॉल्यूम आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आप 1, 2, 3, यह तीन बेसिक राइड मोड्स, चौथा स्पोर्ट्स मोड लेफ्ट हैंड साइड पे है। उसके नीचे दिया गया है हेडलाइट्स का पोजीशन और इसके साथ साथ इसमें आपको ये काफ़ी खास फीचर मिलेगा, क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे रिवर्सिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। थ्रॉटल ठीक ठाक साइज का है। यहाँ पे जो लीवर है ये प्लास्टिक कंपोस्ट ही लग रहा है। अब आते हैं टैंक डिज़ाइन की ओर। अब ये जो टैंक है ये अगेन कह सकते हैं लुक के लिए दिया गया। जो बैटरी है नॉन स्वैपेबल है, आप निकाल नहीं सकते। रेंजर की अच्छी खासी बैजिंग दी गई है। बड़ा सा यहाँ पे एक पैनल है, इस पैनल के पीछे छुपा है बैटरी, जो 4 किलोवाट का बैटरी पैक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो चार्जिंग है, चार्जिंग का स्लॉट आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, यहाँ पे नीचे की ओर कहीं पे, हाँ ये रहा चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको ये पैनल खोल के देखना तो चाबी का स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है। निकाल ली मैंने चाबी। अब देखिए पिछले प्रोफाइल से कुछ गाड़ी ऐसी दिखती है,
जो इसका एग्जॉस्ट है ये अगेन थोड़ा आफ्टर मार्केट लगता है, सब फ्रेम के साथ जोड़ा गया है और यहाँ पे आप हब मोटर भी देख सकते हैं। बेल ड्रिवन नहीं है ये, हब मोटर है, मतलब पीछे की एक्सल्स में पावर को ढकेला जाता है। यहाँ पे आपको लगेज कैरियर मिल जाएंगे जो मुझे यहाँ पे काफ़ी हैंडी लगते हैं शहर यूज़ में। एक सेकंड रुकिए, दूसरी ओर खोल के देखते हैं। हाँ ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ये जो चार्जिंग यूनिट है, चार्जर ये दिया गया है और ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री। चार्जिंग टाइम जो है कंपनी क्लेम करती है लगभग 4 घंटे में हो जाना चाहिए फुल चार्ज, तो आप ऑन द गो कैरी कर सकते हैं। दोनों साइड में दो लगेज होल्डर्स दिए गए हैं, लगभग यहाँ पे आप इन बॉक्सेस में 10 किलो तक का वज़न कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सीट की बात कर लेते हैं। सीट अगेन क्रूजर स्टाइल, थोड़ा ये टैन ब्राउन में फिनिश किया गया है, ब्लैक के साथ काफ़ी सुंदर लग रहा है। टोटल 3 कलर ऑप्शंस में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी। और अगर आप पीछे बैठे हैं मतलब पिलियन सीट पे, तो आपको ये बेहद पसंद आएगा। यहाँ पे पीछे की ओर आपको बैक सपोर्ट दिया गया है। जो पीछे के टेल लैम्प्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, साइड इंडिकेटर्स, टेल लैम्प, सारे यूनिट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से फिनिश किए गए हैं। ऑब्वियसली LED आपको यहाँ पे यूजेज मिल जाएगा। तो ये है कुछ बॉडी प्रोफाइल। पीछे आपको कॉयल सस्पेंशन मिल जाएगा और एक बार दिखा देता हूँ, ये जो घुमा की रेंजर है कुछ ऐसी दिखती है। अब चलिए चलाते हैं, बताते हैं फील कैसा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रेंज 200 का क्लेम रेंज है। अगर मोड 1 पे चलाते हैं, फर्स्ट मोड में टॉप स्पीड आपको मिल जाएगा अप टू 45 किलोमीटर्स एन आर। मोड 2 में यहाँ से जो आप चेंज कर सकते हैं, ये स्विच ऑफ अ बटन, यहाँ से चेंज करेंगे तो सेकंड मोड में टॉप स्पीड है ऑलमोस्ट 55 से 60 तक का, थर्ड मोड पे 65 से 70 तक का, और स्पोर्ट्स या टर्बो मोड में आप इस मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स प्रति घंटे की रफ्तार पे भगा सकते हैं। स्पीड के साथ रेंज में भी फ़र्क पड़ता है। अगर टॉप स्पीड 85-90 पे चला रहे हैं तो आपको 100 से 120 तक का रेंज मिलेगा। वहीं अगर आप इको मोड फर्स्ट मोड पे 45 से 50 के रेंज में चला रहे हैं तो आपको ये आराम से 50 की स्पीड पे ऑलमोस्ट 200 तक का रेंज ऑफर करेगी। तो ये तो है कुछ स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स। मैंने ब्रीफली इस मोटरसाइकिल को चलाया और मैं कह सकता हूँ मुझे मज़ा आया इसको चलाने में, क्योंकि बहुत रिलैक्स्ड पोजिशनिंग है। जो इसके फुट पेग्स हैं ये फ्लैट हैं और क्रूजर स्टाइल में फिनिश किए गए हैं। आप बैठते हैं इन एन अपराइट पोजिशन, टॉल बॉय स्टांस। जो इसके हैंडल बार्स है ये भी काफ़ी ऊपर की तरफ धकेले गए हैं, तो चलाने में एक मज़ा आता है, डिफरेंट सा फील आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। अब बात करते हैं हाईवे स्टेबिलिटी की। मैंने ऑलमोस्ट 75-80 किलोमीटर्स एन आर की रफ्तार पे इस मोटरसाइकिल को चलाया और मैं चला के मेरे को मज़ा आया। कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगी। अब देखिए इस मोटरसाइकिल की जो वेट है लगभग 130 किलो है। इसमें जो बैटरी दिए गए हैं, इन बैटरी की वज़न ऑलमोस्ट 25 से 30 किलो है, तो आप लगा सकते हैं मोटा मोटा 100 किलो है माल मसाला, और इसमें जो बैटरी है वो है 30 किलोस। हाईवे स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। अगर 200 का क्लेम रेंज ये रियल लाइफ में 150 से 160 भी दे दे, ये एक अच्छा खासा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 160 एक मोटरसाइकिल, अनलेस आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, शायद ही आप हफ्ते में मोटरसाइकिल को 2 बार ही आपको चार्ज करना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई है। ब्रेक्स जैसे बताया मैंने, कॉम्बी ब्रेकिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, जिसका मतलब है जब भी आप ब्रेक पेडल पे हाथ देते हैं या जब भी दबाते हैं ब्रेक पेडल को, ऑटोमेटिक दोनों ब्रेक्स इंगेज हो जाएंगे, जो पावर डिलीवरी है वो कट ऑफ हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जैसा होता है। इसके साथ साथ रीजन ब्रेकिंग भी इस मोटरसाइकिल में दी गई है। अब रीजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद इसमें लेवल्स नहीं है, मतलब आप जब ब्रेक करते हैं सेल्फ रिचार्जिंग जो होता है बैटरी का वो यहाँ पे दिया गया है, बट लेवल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वो ज़्यादा बहुत फील नहीं होता, बट हैंडी फीचर है। जो सीट की क्वालिटी है
ये थोड़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है, देखने में नो डाउट अच्छी खासी लग रही है बट सीट की जो कुशनिंग है थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे तो आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि थोड़ी फर्म होती तो बेहतर होती। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्टर एंड में रखी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस का नंबर कंपनी ने हमें स्पेसिफाई नहीं किया है बट जितना मुझे लग रहा है, अनुमान लगा रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 170 से 180 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। वाटर वेडिंग भी लगभग उतना ही होना चाहिए। देखिए क्रूज़र है तो थोड़ा लो स्लंग प्रोफाइल दिया गया है। तो ओवरऑल कुमाकी रेंजर मैंने आज पूरा दिन इसके साथ बिताया और मुझे अच्छी खासी लगी, क्योंकि शायद कीमत थोड़ी सी आपको चुभ सकती है 1,75,000 रुपये, बट ऐसे फॉर्म फैक्टर के साथ अभी तक मार्केट में हमने कुछ देखा नहीं है। अभी भी इनिशियल डेज है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, ऑब्वियसली बहुत सी स्कूटर्स आ गई हैं बट मोटरसाइकिल मार्केट में बहुत कम प्लेयर्स हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ ट्राई करना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली फिट एंड फिनिश और थोड़ा बेहतर हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल इसके जो वायरिंग दिए गए हैं, इन वायरिंग्स को कंपनी और थोड़ा छुपा सकती थी, ढक सकती थी। इसके साथ साथ थोड़ा ज़्यादा ही क्रोम का यूजेज किया गया है। ऑब्वियसली जिन्होंने ख़रीदा है उनसे मैं बात करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, मतलब लॉन्जिविटी कितनी जाएगी ये मोटरसाइकिल, कितनी आप चला पाओगे, दैट विल ऑब्वियसली बी नोन जितना टाइम हम इस मोटरसाइकिल के साथ शेयर करेंगे। बट आज के लिए वीडियो इतना ही है एंड इट्स आई थिंक थम्स अप फॉर मी। आप ज़रूर इस मोटरसाइकिल को ट्राई कर सकते हैं और ये अवेलेबल है काफ़ी सारे स्टेट्स में। उन स्टेट्स की डिटेल्स कहाँ कहाँ डीलरशिप्स हैं मैं ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में आपको मैंशन कर दूँगा। और कैसा लगा आपको ये कुमाकी रेंजर का रिव्यू ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ क्वेश्चन रह गया हो वो भी बता सकते हैं। और वो एग्जॉस्ट है ना, जाते जाते एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए।